હાલ ગણેશોત્સવ તહેવાર નજીક આવી રહ્યો છે ત્યારે સુરત પોલીસ કમિશનરે મહત્વનું જાહેરનામું બહાર પાડ્યું છે। આ જાહેરનામું પહેલા ગણેશ સમિતિ અને કેટલાક આયોજકો સાથે બેઠક કરવામાં આવી હતી। આ સિવાય જાહેરનામામાં જણાવેલ નિયમનો ભંગ કરવામાં આવશે તો કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। महाराष्ट्र बाद गुजरात में सौथी वधु श्रीजी की स्थापना सूरत शहर में थाय छे। सूरत शहर में हजारों की संख्या में भगवान गणपति की प्रतिमा की स्थापना करवामां आवे छे। गणेश उत्सव संदर्भ में पुलिस कमिश्नर द्वारा जाहिरनामु बहार पड़वामां आव्यु छे, जेमां गणेश उत्सव दरमियान केटलाक महत्वना मुद्दानो उल्लेख करवामां आव्यो छे। शहर में माटी की मूर्ति हशे तो 9 फूट जेटली तेनी ऊंचाई होवी जोईए, तेनाथी वधु ऊंचाई हशे तो फौजदारी कार्यवाही करवामां आवशे। पीओपी अने फाइबर नी प्रतिमा हशे तो मात्र 5 फूट जेटली ज होवी जरूरी छे। श्रीजीनी प्रतिमाओनु विसर्जन कृत्रिम तळाव अथवा दरियामां करवानुं रहेशे। तापी नदीमां माटीनी के पीओपीनी कोई पण गणेशजीनी प्रतिमानुं विसर्जन करवामां आवशे नहीं। कृत्रिम तळाव दरियामां ज दरेक मूर्तिनुं विसर्जन करवामां आवशे। सूरत महानगरपालिका द्वारा तापी नदीना किनारे अलग अलग ओवारा पासे कृत्रिम तळाव बनावामां आवशे। श्रीजीनी प्रतिमा बनावा माटे कोई पण केमिकलनो उपयोग करवामां आवशे नहीं। मोटी प्रतिमा पर केमिकल नो वधु पड़तो उपयोग थतो होवाने कारणे प्रकृति ने नुकसान थाय छे, जेनी गाइडलाइन ने अनुसरवी फरजियात छे। पर्यावरण ने कोई पण प्रकारनो नुकसान थाय के जोखम उभुं ना थाय तेनी खास पालन करवानुं रहेशे। जाहेरनामा मुजब दरेक गणपति स्थापना करनार मंडळे स्थापना थी लईने विसर्जन सुधी नियमो अनुसरवानुं रहेशे। सूरत गणेश उत्सव समितिना प्रमुख अनिल बिस्किटवालाए जणाव्युं के गणेश उत्सवनी खूब ज शांतिपूर्वक अने कायदो व्यवस्था जळवाय ते रीते दबदबाभेर आयोजन करवा माटेनी तैयारी करवामां आवी छे। कोईनी पण धार्मिक लागणी न दुखाय तेनुं खास ध्यान राखवानी जरूरियात छे। उजवणीनी साथे प्रकृतिनी पण नुकसान न थाय तेवी रीते गणेश उत्सवनुं आयोजन करवामां आवी रह्युं छे। गणेश विसर्जन दरमियान तापी नदीमां विसर्जन करवा उपर लाउड स्पीकर लगाववा उपर पण प्रतिबंध छे। सूरत शहर पोलीस कमिश्नर द्वारा जाहेरनामुं बहार पाडवामां आव्युं छे, तेनुं अक्षरशः पालन करवुं जरूरी छे।